हाँ? छह पेशेंट हैं अभी है? छह हमसे पहले। अरे बाप रे, इतने तो होते ही हैं, हर बार ही होते हैं। कनिष्ठा की मॉम का अभी जो चेकअप होना था वो हो चुका है और एक टेस्ट हुआ है कैंसर स्क्रीनिंग का, वो टेस्ट करा लिया। नहीं सही लोग यहाँ पे आए वैक्सीनेशन लगवाने, तो अभी दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, दोनों बच्चे पीछे हैं। जय जय जय, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू व्लॉग्स। और अभी मैं गाड़ी में हूँ, आगे बैठो क्योंकि आज मिहिक और मिहिका का इंजेक्शन है, इसलिए हम जा रहे हैं। और मम्मा आपका भी है ना? मेरा हाँ। एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। प्रॉब्लम हो रही है क्या? डैडी ने गलत रास्ते से ले लिया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब कैसे दिखाओगे यार, कितनी देर से खड़े हैं, अब तो पता नहीं कहाँ निकल जाते। दिखाओ देखो कितनी कब से खड़े डैडी, आपको मैंने बोला था यहाँ टर्न ले लो। ये देखो गाइस सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, आगे तक पूरा जाम हो रखा है, ट्रक फंसा हुआ है। खड़े रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस हमें ना बहुत टाइम हो गया और हमने ना घर में भी स्टार्टिंग नहीं करी सीरियसली, क्योंकि सुबह से ही लेट हो रहा है बच्चों के साथ ना। और आप देख सकते हैं हम ना अभी तक पहुंचे भी नहीं है डैडी, क्योंकि अभी यहाँ हमें दूर है, अभी तो घर के पास ही है। हाँ, देर हो गई निकले हुए, फिर भी मेरी डॉक्टर उड़ जाएगी यार, तो फिर क्या करूँ। तो गाइस हमेशा ना ऐसे ही होता है, मेरा नहीं हो पा, मेरा ना कब से चल रहा है तो, बट मेरा ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है ना कि जिसके लिए मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या है। दिख रही हूँ क्या शक्ल आ रही है? तो गाइस ये हमेशा मेरे को टोकते हैं, और देखो ये इनके आप उनमें में चक्कर, आपका ध्यान गया, देखो रेड लाइट भी हो गई फिर से। ये क्या बेक रहा है, क्या है ये? उड़ने वाले जो होते हैं उड़ा देते हैं जिनको दिवाली पे। हमें क्या करना है? अरे नहीं यार, अरे नहीं चाहिए यार, छोटे बच्चे हम ये सब करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं। तो गाइस आज हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, और मेरे को तो लग रहा है कि निष्ठा की मॉम की जो डॉक्टर है उनके पास तो हम जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तब तक उनका टाइम हो जाएगा जाने का, वो वहाँ से क्लिनिक से अपना हॉस्पिटल चली जाएंगी। हॉस्पिटल में मिला, हॉस्पिटल में नहीं ना, हॉस्पिटल में उनका अलग काम रहता है ना, मिलने के लिए तो क्लिनिक ही जाना पड़ता है। तो अब देखते हैं, चलो बच्चों का तो एटलीस्ट लगे वैक्सीनेशन, दोनों का ड्यू हो गया था दो दिन तीन दिन पहले ही, तो अब आज हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमने सोचा आज लगा लेते हैं जल्द से जल्द। तो देखते हैं, अगर मैम बैठी होगी तो चल लेंगे, एक बार फ़ोन करके तो चेक कर लूँगा जब इनके यहाँ से फ्री होंगे बच्चों के यहाँ से, तो फ़ोन करके एक बार चेक कर लूँगा। देख लेना अगर सर ने क्या बोला, भीड़ है उनके वहाँ पे है, और दो सवा दो तक ही बैठे हैं बस, और हमें पहुंचते पहुंचते भी दो बज जाएगा, डेढ़ तो बज ही गया है, तो अब हमें पहले तो ही नहीं कि बच्चों के यहीं पे ही जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ से फ्री होंगे ना तब एक बार फोन करेंगे डॉक्टर, आपकी डॉक्टर को, अगर वो बैठी होंगी क्लिनिक पे तो फटाफट चले जाएंगे साथ में, नहीं बैठी होंगी तो अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं तो आप नेक्स्ट वीक क्या ऐसा करना, बार बार बच्चों को ले जाने का चक्कर नहीं है क्योंकि दिवाली का टाइम आ गया है, ऐसा करना बच्चों को पकड़ना आप, मैं अपने आप हो आऊंगी कब बीच में। अच्छा डैड सुनो, ठीक है ना, जब हम घर जाएंगे ना तो फिर जब हम घर जाएंगे ना तो फिर बच्चों को बार बार बाहर नहीं निकाल सकती मैं, क्योंकि दिवाली के आसपास बच्चों को नहीं निकालते जब हम घर जाएंगे ना, तब रास्ते में ग्रीन चिप्स खिला। तो गाइस ये ना एक्चुअली ना बस स्टैंड है, और यहाँ पे ना ये ठेले लगे क्योंकि इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो लोग बाग आते हैं ना बस ऑटो पकड़ने के लिए, तो वो कुछ लगे खा लेते हैं, इनकी बिक्री हो जाती है, भूखे प्यासे लोग उतरते हैं ना घर जाने से पहले, मतलब ना पेट भर लेते हैं। और देखो फूल कितने अच्छे हैं, बट ये एक पौधा देखो ना इतना बुरा लगेगा, इतने सारे रखे तो सही लग रहे हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम डॉक्टर के, डॉक्टर सर के यहाँ पे, और अभी तो वेटिंग, ये बाहर भी बैठे हैं भैया है रेडी, देख के आओ आप कितना है गाड़ी लगा के ना, वो कुछ भी कर रही है देखना लड़की, धूल मिट्टी में वो खा भी रही है, मिट्टी खा रही है, मिट्टी खा रही है। हाँ छह पेशेंट हैं अभी है, छह हमसे पहले। अरे बाप रे, इतने तो होते ही हैं हर बार ही होते हैं। नहीं नहीं तो छह में टाइम मैडम, फिर टाइम हो जाएगा, फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ से ये भी उठ जाएंगे, वहाँ ही दिखा लोगे, जब तक दिखा के फ्री हो गए ना तब तक यहाँ पे इनका टाइम हो जाएगा।
क्यों हम बोल देना सर आ रहे आ रहे हैं, मुझे मैडम को करना ही क्या है मेरा, हॉस्पिटल भी तो निकलना होता है ना, ऐसे आ रहे हैं से क्या होता है, इन्हें हॉस्पिटल भी तो जाना होता है ना, यहाँ से जाके तो एक घर तो जाएंगे नहीं कि दो मिनट रुक जाएंगे। एक बार क्लिनिक फोन तो कर लेते, एक बार क्लिनिक फोन तो कर लेते, फोन कर लेता हूँ मैं आप बोलोगे तो। तो गाइस अभी हम लोग बच्चों के जो डॉक्टर है ना उनके पास पहुंच गए थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी अभी 6-7 लोग हमसे पहले वेटिंग में थे, तो हमें लग जाता टाइम, ठीक है। इतने में फिर हम अगर यहीं पे वेट करते रहते तो फिर क्या होता कि निष्ठा की जो मॉम को हमें दिखाना है वहाँ से डॉक्टर उठ जाती, मैंने फ़ोन करके पता किया था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया है कि पहले हम वहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना अभी ज़्यादा पेशेंट भी नहीं है, एक दो पेशेंट ही है, तो पहले वहीं चलते हैं, उसके बाद जब तक वहाँ से आएंगे तब तक यहाँ पे हमारा नंबर आ ही जाएगा। तो इसीलिए अब लोग हम लोग अब निकल चुके हैं, सीधे जा रहे हैं जो निष्ठा की मॉम की डॉक्टर है ना उनके क्लिनिक में। तो ज़्यादा दूर नहीं है, अब रोड के इस तरफ बच्चों के डॉक्टर हैं और रोड के उस तरफ जो निष्ठा की मॉम के। तो अभी फटाफट हम लोग रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, वहाँ दिखाते हैं पहले, और अभी टाइम हो रहा है 2:15, तो जहाँ तक उम्मीद है हम लोग 2:15 तक आ जाएंगे वापसी, है ना, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम अगर वो बोल रही है एक ही पेशेंट है तो, ठीक है। चलो गाइस अभी पहले हम निष्ठा की मॉम को दिखाते हैं, फिर आते हैं बच्चों के डॉक्टर के पास और बच्चों को लगवाते हैं वैक्सीन। अगर लगेगा एक पेशेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है, वापस आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, डन डन डन, चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने क्या किया, फटाफट पहले निष्ठा की मॉम को दिखाया वहाँ से, और वहाँ पे लगा हमें 25 मिनट। उसके बाद हम तो ये सोच रहे थे कि वहाँ से जब तक यहाँ पे आएंगे तो कहीं निष्ठा की मॉम के डॉक्टर साहब जो हैं वो चले ना जाएं क्लिनिक से, या फिर और लोगों का नंबर ना आ जाए। बट जब मैं आया तो यहाँ पे ना हमारा नंबर था 24th, जब मेक और मेगा का 24th नंबर था, तो मैं उसको बोल के आया था कि भैया मैं फटाफट अभी हम लोग आ रहे हैं आधे घंटे में, और अगर किसी और का नंबर आ जाएगा, मतलब हमारा नंबर आ जाएगा, तो आप किसी और को भेज देना, फिर जब हम आएंगे तब हमें भेज देना। तो गए तो ठीक है, बट मैं जब हम लोग पहुँचे ना जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग आए, हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पर 22nd ही नंबर चल रहा था उस टाइम पे, तो हम लोग टाइम पे आ गए। और अभी आके निष्ठा की मॉम का अभी जो चेकअप होना था वो हो चुका है, और एक टेस्ट हुआ है कैंसर स्क्रीनिंग का, वो टेस्ट करा लिया निष्ठा की मॉम ने, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए वैक्सीनेशन लगवाने। तो अभी दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, दोनों बच्चे पीछे हैं और वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, और निष्ठा को भी डॉक्टर साहब ने बोला कि अपना वेट वगैरह बढ़ा लो, क्योंकि गाइस निष्ठा का वेट ना काफ़ी टाइम हो चुका है, 17, 17.5, 18 मैक्सिमम 18 तक जाता है, 17 से 18 इसी में घूमता रहता है निष्ठा का जो वेट है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला अपना वेट बढ़ा लो, वरना फिर मैं इंजेक्शन लगाना शुरू करूँगा वेट गेन के, तो इसीलिए मिली है कि आप वेट बढ़ाना शुरू करो अपना। उल्टी सी, इसका मतलब उल्टी सी चीज़ें नहीं खानी है तभी वेट बढ़ता है, घर की रोटी सब्जी दाल खाओ तभी वेट बढ़ेगा, बाहर के चिप्स कोल्ड ड्रिंक कुरकुरे से वेट नहीं बढ़ता। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊं तो फिर आपको लानी भी बंद करूं। गाइस अभी ना हम लोग आ चुके हैं घर पे, और नहा धो के हम लोग आ गए हैं बाहर अभी, और अभी इनका काम भी हो चुका है, जो झाड़ू पोछा था वो इनकी जो हेयर मेड वो लगा के जा चुकी है, और अभी टाइम हो रहा है 6:30, और आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और अभी हमारे दोनों बच्चे सो रहे हैं, दोनों को क्या है ना इंजेक्शन लगा है, और इंजेक्शन लगा है तो थोड़ा ऐसे में फ़ीवर आने के भी चांसेस रहते हैं, तो हम दवाई हमारी रेडी है, अगर कुछ फ़ीवर वगैरह आता है तो हम दवाई वो दे देंगे। और फ़िलहाल के लिए निष्ठा की मॉम को अभी एक मैंने आपको बताया था कैंसर वाला जो था वो एक टेस्ट हुआ है, और निष्ठा की मॉम के एक्चुअली गाइस आपको बताया कि फिब्रॉइड्स भी हैं, तो जो कि सर्जरी में नहीं निकल पाए थे जब डिलीवरी हुई थी निष्ठा की मॉम की, तो उससे रिलेटेड भी मैम को दिखाया, तो मैम ने यही बोला है कि आप ऐसा करो कि मेरे पास आप 2-4 दिन बाद आओ और अल्ट्रासाउंड करा के आओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम लोग एक बार देखेंगे कि अगर अल्ट्रासाउंड में लगेगा कि उनका साइज़ बढ़ रहा है या उनकी पोजीशन इधर उधर हो रही है, तो हम उसको फटाफट जो है फिर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। बाकी सबसे पहले यही बोला कि अभी आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ और उसके बाद मेरे पास आप लोग आओ, तो अभी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखते हैं कब जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने, फिर जाके फिर मैम को दिखाएंगे, तो वही करेंगे। अभी फिलहाल निष्ठा की मॉम गई है वॉशरूम में और हम लोग दोनों फ्री हो चुके हैं निष्ठा, और मैं निष्ठा पढ़ाई भी कर रही है और दोनों बच्चे अपने सो रहे हैं आराम से, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आके व्लॉग कर रहा हूँ धीरे, क्योंकि उठ जाएंगे ना तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत देर से भूखे भी हैं दोनों, कुछ खाया पिया मतलब पिया भी नहीं है दोनों ने, तो इसीलिए अभी हम लोग यहीं पर हैं। और अभी निष्ठा की मॉम आती है, फिर निष्ठा की मॉम से बात करेंगे, देखते हैं फिब्रॉइड्स का कैसे करना है, क्योंकि मैम ने तो यही बोला है कि वो उसमें ज़्यादा पेट तो कटता नहीं है, वो लेज़र से हो जाता है, तो लेज़र ऑपरेशन रहता है वो, तो
ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि चलो लेजर से या तनिष्ठा की माम को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि बच्चे दोनों अभी छोटे हैं, है ना, तो वही वाली बात है। इसीलिए अभी देखते हैं, चलो जैसे कि आप सबको पता है आज धनतेरस है, तो आज हम लोग धनतेरस सेलिब्रेट करेंगे घर में। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? घर को सजा दिया है निष्ठा की माम ने अच्छे से, और हम लोग सजाने वाली है। और अभी फिलहाल के लिए आप सबको गाइस हम सबकी तरफ से हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी देखो जैसे कि आपको पता है बच्चे चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग, बस रात को भी बच्चे सोते सोते एक डेढ़ बजा देते हैं, जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। निष्ठा की माम भी कितना करेगी। और अभी देखो मंदिर को निष्ठा की माम ने सजा दिया है, लाइटिंग कर दी है उसमें, देखो वो नीचे टेबल दिखा रही है, लाइटिंग कर दी है, देखो रेड कलर की लाइट जल रही है अभी मंदिर में, और अच्छे से मंदिर को साफ कर दिया है। तो अभी हम सब लोग जोत बत्ती में निष्ठा की माम ने करी ली है, तो अभी हम सब लोग फटाफट भगवान की पूजा कर लेते हैं, थोड़ी देर बच्चों का माथा टिकवा देते हैं मंदिर में। चलो चुनरी नहीं डाली माता की, तो गाय माफ करना क्योंकि अभी ना चुनरी अभी कोरी ना दिवाली पे ना मैं कोरी डालते, तो मैं अभी वो मंगवाई है मैंने ना, हाँ, तो मैं बाद में डाल दूंगी, बाद में डाल दूंगी। आप मेरी पहनने की चुनरी नहीं लाए? हाँ बच्चे कन्या को चुनरी की जरूरत नहीं होती, कोई बात नहीं चल जाता है। पहले मैंने कहा जल्दी जल्दी में कर दिया था थोड़ा धूप बत्ती ये सब, क्योंकि बहुत लेट हो जाता। और ये मेरी चूड़ी पकड़ रखी इसने, अगर मैं खींचूंगी ना तो टूट जाएगी कांच की, खुलवाना। मिकी इसे छोड़ो भैया, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कांच की चूड़ी है और बल्कि इसी के हाथ में लग जाएगी। हाँ, छोड़ जा छोड़ जा। ये माते लानी अभी मैं चुन्नी उड़ाऊंगा आपको, ठीक है? अभी तो रात हो गई है तो कल ही उड़ाएंगे आप, ठीक है? माते रानी वैसे भी त्योहार पर तो माता रानी हमेशा ही आगे रहते हैं, सोते नहीं है। माता रानी हैप्पी धनतेरस, ठीक रखिये मुझे, मेरे को अकल देना बुद्धि देना। जय जय करो, चलो जय जय करो, कर दो जय जय जय, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। गाइस इसका मैं आपको बताता हूँ क्या हो चुका है, इसको बेड पसंद नहीं है, इसको अगर बेड पे हम लोग लेटाते हैं ना रोना शुरू, इसको बहुत तेज तेज बिना किसी मतलब के, बेड पे तो लेटती ही नहीं है, गोदी में लेना है बच्चे को, सिर्फ बेड पे लेटना ही नहीं है, चाहे आपने इसका पेट अच्छे से भर दिया है उसके बाद भी आप इसे बेड पे नहीं लेटा सकते, किसी भी कीमत पे नहीं लेटना है, चाहे पेट भर दो चाहे कुछ भी। चलो हाथ जोड़ लो, थोड़ी देर अपने लिए वो मांगो, प्रार्थना करो अपने लिए कि सद्बुद्धि दो, शैतानियां कम करवाओ भगवान मेरे से, अच्छे काम ज्यादा करवाओ, है ना। चलो मिकी हो गया, हाँ हो गया, ये मेरा बच्चा, ओय ओय आजा बेटा आजा। गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दिवाली की, दिवाली बस आई गई है, अब दिवाली है, जैसे कि आज धनतेरस है तो दिवाली बस आने वाली है। और अभी देखो हम लोगों ने ना कुछ भी जो लाइटिंग है ना कुछ भी नहीं लगा पाए हम लोग, क्योंकि दिन भर निष्ठा की मॉम को इतना टाइम होता नहीं है, मैं ऑफिस रहता हूँ। सही, मैंने सिर्फ जरा ये कैंडल जोत बत्ती करी तो इतने में हाँ कर मचा दिया। नाइट में क्या होता है गाइस, हमारी दीदी सामने रहती है बुआई के बच्चों को बुला रही है, बुला रही है इतना। और क्या होता है ना कि नाइट में बच्चे जगे रहते हैं कि 2-2 बजे तक, कुछ भी हमने लाइटिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं लगा पाए हैं हम लोग ना, ये देखो कुछ भी नहीं लगाए, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो अब हम लोग लगाएंगे कल, कल लगाएंगे फिर मॉर्निंग में, क्या करें, कल लगा लो, अब दिवाली पे लगा लेना सीधे, कल ही लगाएंगे, दिवाली परसों है, परसों परसों है दिवाली, कल लगाएंगे। ये देखो गाइस कितनी अच्छी यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग में लाइटिंग हो रही है, कल लगाएंगे निष्ठा हम, ठीक है? हमारी बिल्डिंग में सब अपनी अपनी पर्सनल पर्सनल लगाते हैं, यहाँ पे नॉर्मली सब नहीं लगा दी, सर पे टोपी नहीं है। चलो चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, पहले अंदर आओ, अंदर आओ,